हेलो फ्रेंड्स, डोकेल पर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 बेस्ट डॉग ब्रीड फॉर इंडियन वुमेन विद प्राइस डिटेल। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, पग। ये डॉग ब्रीड बहुत क्यूट ब्रीड है। अपने फेस की अलग तरह की बनावट होने के कारण ये गर्ल्स को काफ़ी पसंद आती है। इसको बहुत कम खर्च पर घर में आसानी से रखा जा सकता है। मार्केट में ये आपको 10 से 15 हज़ार में इसका मेल पपी और 8 से 10 में इसका फीमेल पपी मिल जाएगा। और आपको मार्केट में इसके 2 कलर मिल जाएंगे, ब्लैक और फोन कलर। नंबर 2, कॉकर स्पैनियल। ये भी डॉग की छोटी ब्रीड है। ये देखने में काफ़ी सुंदर होती है। इसके बाल सुनहरे होते हैं। इनके कान और पैरों पर लंबे लंबे बाल होते हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। 4 से 5 कलर्स में ये आपको मिल जाती है और मार्केट में 12 से 15 हज़ार तक इस ब्रीड का मेल पपी और 8 से 12 हज़ार तक फीमेल पपी आसानी से आपको मिल जाता है। नंबर 3, शितजू। ये चाइनीज डॉग ब्रीड है। ये ब्रीड भी गर्ल्स को काफ़ी पसंद आती है। इसके लंबे और मुलायम बाल होने की वजह से ये काफ़ी सुंदर लगती है और ये आपको 2 से 3 कलर में मिल जाते हैं। मार्केट प्राइस इसका मेल पपी जो होता है आपको लगभग 20 हज़ार का और फीमेल पपी 12 से 15 हज़ार तक आसानी से मिल जाता है। नंबर 4, डैश हाउंड। ये ब्रीड भी इंडिया में बहुत पाली जाती है। इसके कान बहुत लंबे होते हैं। जो लोग लंबे बालों वाला डॉग नहीं रखना चाहते उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको इस ब्रीड के 2 से 3 कलर मार्केट में मिल जाते हैं। इसका मार्केट प्राइस मेल पपी लगभग 10 हज़ार रुपये और फीमेल पपी 6 से 7 हज़ार तक आसानी से आपको मिल जाता है। नंबर 5, लासा एप्सो। इस ब्रीड को भी इंडिया में बहुत समय से पाला जाता है। ये देखने में लगभग शितजू जैसे लगते हैं। इसके लंबे बाल होते हैं। इस ब्रीड को खेलने का बहुत शौक़ होता है। आपको इसके भी 4 से 5 कलर मार्केट में मिल जाते हैं। इस ब्रीड का मेल पपी आपको 12 से 14 हज़ार और फीमेल पपी 8 से 10 हज़ार तक आसानी से मिल जाता है। नंबर 6, फ्रेंच बुलडॉग। ये ब्रीड भी लोगों को बहुत पसंद आती है। देखने में तो लगभग ये पग जैसी नज़र आती है लेकिन इसके कान हमेशा खड़े रहते हैं। इसको देखकर ये बहुत सुंदर लगते हैं। इस ब्रीड के बाल काफ़ी छोटे होते हैं जिसकी वजह से इसके बालों की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। लगभग 4 से 5 कलर में आपको आसानी से मार्केट में ये मिल जाते हैं। इसका मेल पपी प्राइस 25 से 30 हज़ार और फीमेल 15 से 20 हज़ार में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। नंबर 7, बुलडॉग। छोटी ब्रीड में जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग डॉग पालना है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। इसको देखकर लगता है कि ये ख़तरनाक है लेकिन ये बहुत फ्रेंडली होते हैं और घरों में आसानी से रह लेते हैं। बहुत गोलू मोलू सा डॉग है। ये फैमिली में बहुत खुश रहते हैं। ये भी आपको 3 से 4 कलर में मिल जाते हैं। इसका मार्केट प्राइस मेल पपी 50 से 60 हज़ार और फीमेल पपी 30 से 40 हज़ार में आपको मिल जाता है। इसकी ब्रीडिंग बहुत कम लोग करते हैं जिसकी वजह से इसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है। नंबर 8, बीगल। ये आज के टाइम में लोगों को बहुत पसंद आ रही है। इसके छोटे बाल होते हैं और लंबे कान होते हैं। इसकी पूंछ हमेशा ऊपर की तरफ खड़ी रहती है जिसकी वजह से ये डॉग ब्रीड बहुत अच्छी लगती है और अलग लगती है। ये मालिक के लिए बहुत वफादार होता है और टाइम पड़ने पर एक गार्ड का काम भी कर सकता है। अगर आपके घर के आसपास कोई आता है तो ये भौंक कर उसे डरा देता है। आपकी परमिशन के बिना ये किसी को अंदर नहीं आने देता। और मार्केट में इसके 2 कलर मिल जाते हैं। इसका मार्केट प्राइस मेल पपी लगभग 15 हज़ार रुपये और फीमेल पपी 8 से 12 हज़ार में आपको आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 9, इंडियन वाइट पोमेरियन। ये ब्रीड भी बहुत सुंदर होती है और इंडिया में लगभग 35 से 40 साल से इसको पाला जा रहा है। अपने वाइट कलर के कारण ये सबको पसंद आते हैं। इनको घर का छोटा चौकीदार भी बोला जाता है। आपकी परमिशन के बिना किसी की भी एंट्री इनको घर में पसंद नहीं है। इसका प्राइस मेल पपी 8 से 10 हज़ार और फीमेल 5 से 7 हज़ार में बहुत अच्छी क्वालिटी में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 10, टॉय पॉम। ये बहुत छोटी डॉग ब्रीड है।
और ये बहुत क्यूट होते हैं। इनके बाल काफ़ी सुंदर होते हैं। आपको और ब्रीड के मुकाबले इसका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये लगभग 6 से 7 कलर में आपको मिल जाते हैं। इसका मार्केट प्राइस मेल पपी लगभग 35 से 40 हज़ार और फीमेल पपी 20 से 25 हज़ार तक मिल जाते हैं। इसको खरीदते वक्त ध्यान रखना, कुछ लोग आपको टॉय पॉम की जगह इसी की तरह दिखने वाली डॉग ब्रीड कल्चर पॉम देते हैं, जो मार्केट में इस ब्रीड से आधे रेटों पर मिल जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको इन ब्रीड्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इन ब्रीड्स के बारे में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास इन सभी ब्रीड्स के पपी भी मिल जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।